शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि तमाम अदारे उल्टे हो गए लेकिन एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। कब्र में भी चला जाऊं लेकिन हकायक कभी नहीं बदलेंगे। गरीब अलवतनी में रहकर सोचा कि कुछ कमाऊं। मलका बरतानिया के सहारे तो नहीं रहना था। मैंने वहां रहकर असासा बनाया जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अदारों ने तमाम रिकॉर्ड नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन को भिजवाया लेकिन इनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत में बयान। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने कहा, कौम को मुबारक हो, तवील तहकीकात के बाद बिलाखिर 18 फरवरी को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुलजिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद होगी और बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। उन्होंने कहा, तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कंगाला गया तो हैरत अंगेज तफसीलात सामने आई। मकसूद शहबाज शरीफ की मिल में चपरासी था। 4 अरब रुपये इसके अकाउंट से होता हुआ शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में पहुँच गया। 4 अरब में कितने धेले होते हैं? असद उमर का शहबाज शरीफ से मासूमाना सवाल। कहा, खादम आला कहते हैं अगर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। अब क्या इरादा है मौसूफ का? अब 25,000 तनख्वाह के चपरासी मकसूद के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए हैं। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए सिर्फ एक ट्रांजेक्शन करना बाकी है। उम्मीद है अगले सेशन में ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे क्योंकि हमने FATF के 28 में से 27 मुतालबात पूरे कर दिए हैं। 1.5-2 साल कारकर्दगी पर ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला किया जाता है और हमारे मुखालिफ मुमालिक सियासी एजेंडे के तहत मुखालफत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद और उमर अमीन गंडापुर की इलेक्शन कमीशन से नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस अदालत की अप्रोच है कि इलेक्शन के मामलों में मुदाखलत ना की जाए। अदालत जो भी ऑर्डर करेगी वो अदालती नज़ीर बनेगी। इलेक्शन कमीशन को तो मज़ीद मजबूत और बाइख्तियार करना चाहिए। जुल्फी बुखारी की बरतानवी शहजादा चार्ल्स को दौरा पाकिस्तान की दावत। जुल्फी बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान और बरतानिया करीबी दोस्त और दरीना शराकत दार हैं। पाक बरतानिया सफारती तालुकात के 75 साल जश्न को शानदार तरीके से मनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान शहजादा चार्ल्स और इनकी अहलिया कामिला के दौरा पाकिस्तान के लिए मुंतजर हैं। हम उम्मीद करते हैं रवा साल आप जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तारीख पर तारीख लेते रहें लेकिन इंसाफ और एहतसाब होकर रहेगा। हसान खावर ने कहा है कि मकसूद चपरासी और मसरूर अनवर शरीफ खानदान की करप्शन का स्याबाग हैं।